कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी पूछताछ होगी। अभी तक 25 घंटे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है संदीप घोष से। कोलकाता रेप कांड पर लगातार तीसरे दिन सवाल जवाब किए जाएंगे। घर से निकलते वक्त मीडिया पर चिल्लाए संदीप घोष, ये जानकारी भी वहां से सामने आ रही है। कोलकाता रेप कांड पर लगातार तीसरे दिन सवाल, घर से निकलते वक्त कहा जा रहा है जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे उन पर चिल्लाते हुए संदीप घोष, ये देखिए आप। आपके बार बार डाक से कॉपरेट करछेन ना, सीबीआई के कॉपरेट करछेन ना, आज के की आवाज आपके डेकेछे, बुझे एटा भेंगे देवार ऑर्डर आपनी दिएछिलेन केनो? ए बाबा छाता भेंगे गेलो, ए छाता भेंगे गेलो, ए छाता भेंगे गेलो, छाता भेंगे गेलो, ए छाता, ए छाता, ए छाता, छाता खोल, छाता नी, छाता, आपनी बोलुन। আপনাকে বারবার ডাকছে কেন? আপনি কি কোঅপারেট করছেন না? সিবিআই কে কোঅপারেট করছেন আপনি? আজকে কি আবার আপনাকে ডেকেছে? বুঝে এটা ভেঙে দেওয়ার অর্ডার আপনি দিয়েছিলেন কেন? এই বাবা ছাতার ভেঙে গেল, এই ছাতার ভেঙে গেল, এই ছাতার ভেঙে গেল, ছাতার ভেঙে গেল, এই ছাতা, এই ছাতা, এই ছাতা, ছাতা খোল, ছাতা নি, ছাতা, আপনি বলুন। देखिए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आपने देखा, 25 घंटे पूछताछ अभी तक उससे उनसे हो चुकी है सीबीआई की ओर से और आज भी पूछताछ होनी है। जब घर से आज निकल रहे थे उस वक्त मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद और किस तरीके से वो मीडिया पर चिल्लाए वो आपने देखा। मनोज्ञा लोहिवाल मेरे साथ जुड़ चुकी है, रविकांत भी मेरे साथ बने हुए, लेकिन सबसे पहले मनोज्ञा आपका रुख करते हुए, ये बंगाली में क्या कहा संदीप घोष ने वो भी जरा बताइए, और आज भी पूछताछ होगी, आज भी सवाल जवाब किए जाएंगे संदीप घोष से? बिल्कुल, 11 बजे से पूछताछ शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब अपने घर से निकले थे और जब उनसे पूछा गया कि आप क्या सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बिफर गए और गुस्साए, कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल उठ रहा है कि संदीप घोष पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जब वो उस समय प्रिंसिपल थे जब ये घटना हुई है उसके दौरान उन्होंने क्या किया, उनकी बातों के डॉट्स जोड़े जा रहे हैं, उनके बयान को बाकी सारे बयानों से जोड़ा जा रहा है और सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है कि गलती थी किसकी, वारदात हुई क्या थी, सीसीटीवी कैमराज क्या कम थे, क्या जानबूझ के कम रखे गए थे, सेमिनार हॉल में कौन गया था, कब गया था, कब और किसने इस घटना को अंजाम दिया और क्या किसी को प्रोटेक्ट यानी कि किसी को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये सारे सवाल हैं जो जनता कर रही है, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो अस्पताल में काम करने वाले लोग कर रहे हैं, और बतौर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की ये जिम्मेदारी होती है। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया पर शाम तक उन्हें रीइंस्टेट कर दिया, जिसकी वजह से खुद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी राज्य सरकार का सवालों के घेरे में आ गया। दूसरी तरफ जब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं और सीबीआई को 19 तारीख तक का समय दिया था कि वो अपनी बात पर सफलता से काम करके और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार करें। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये भी मांग की कि जो भी दोषी है उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, सज़ा दी जाए। पर सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई के पास पुख्ता एविडेंस हैं किसी को भी सवालों के घेरे में लाकर अरेस्ट करके? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ एक गिरफ्तारी है डॉक्टर संजय रॉय की, जो कि सिविक वॉलंटियर है, जिसकी भूमिका जिसको वहां पर होने की और जिसकी मानसिक स्थिति की जांच भी आज की जाएगी। अगले दो दिन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि पूछताछ के साथ साथ हर जगह विजिट कर रही है सीबीआई, जहाँ पर अपने गैजेट्स लेकर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ पूरे जो वहाँ पर कांड हुआ है, जो घटना हुई है उसको रीइंस्टेट, उसको पूरा सा स्टडी करने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि किस समय और किस घटनाक्रम में ये पूरा कांड हुआ है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है, 14 अगस्त की रात को जो हंगामा हुआ है वो उस हंगामे में किसकी भूमिका थी, पुलिस की विफलता कितनी थी, जहां एक ओर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर सुखेंद्र शेखर रॉय ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करके ये सवाल कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर तक को बुलाए सीबीआई और उनसे सवाल करे कि आखिरकार गलतियां हुई कहां हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता और नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं।